की राजनीति के जितने बड़े धुरंधर हैं सिर्फ आपको नजर आएंगे इंडिया न्यूज पर। पहले संजय जायसवाल को सुनाएं और उसके बाद बैक टू बैक जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उन्हें भी सुनाया जाए। इस वक्त हमारे साथ बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो शानदार जीत के लिए। कोरोना काल में इतना बड़ा चुनाव भारत में संपन्न कराया गया, बहुत शानदार तरीके से हुआ, एनडीए जीती है, बीजेपी को बढ़त है, श्रेय किसको है? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए कार्य किए हैं सारा श्रेय उसको जाता है। और बिहार सरकार ने 15 वर्षों में जो सुशासन की व्यवस्था दी है, जो केंद्र सरकार के कार्य हैं उनको जमीन पे उतारने का जो काम किया है, उसके कारण हम चौथी बार जीतने में सफल हुए। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं, जब उनकी रैलियों का जिक्र हुआ, जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि हाँ, जब हमने प्रधानमंत्री को देखा तो हमारा जो मन था वो बदला था। तो पूरा पूरा सिर्फ मोदी मैजिक रहा या नीतीश बाबू का जो 15 साल का सुशासन था उसका जिक्र कहाँ? 15 साल कोई अगर शासन कर रहा है तो जाहिर बात है वो अच्छे से कार्य कर रहा होगा, तभी तो जनता ने 15 वर्षों से उसको शासन पे रखा हुआ है। लेकिन विगत 3 वर्षों से केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक साथ काम कर रही थी। हमारा दुर्भाग्य है कि जब अटल जी की सरकार थी तो यहाँ पे एक ऐसी सरकार थी जो केवल हत्या और अपहरण उद्योग चलाती थी। थोड़ी टक्कर तो थी महागठबंधन ने, जिस तरह की सीटें आई, इतना तो मानते हैं सर कि नहीं? नहीं, बिल्कुल टक्कर तो होती है, कोई भी विरोध में लड़ता है तो टक्कर होती है। पर अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे झूठ बोल करके उन्होंने मोटिवेट किया जिन चीजों को कभी संभव नहीं था, उस झूठ के कारण थोड़ा बहुत उनको लाभ हुआ है, पर इस तरह के झूठ ज्यादा दिन नहीं चलते। सीटें बढ़ी हैं यहाँ पर, मोदी मैजिक रहा, मोदी फैक्टर रहा, तो बीजेपी को तो मोदी फैक्टर ने आगे बढ़ा दिया, लेकिन क्या एलजेपी ने जेडीयू को पीछे खींचा है? बिल्कुल नहीं, सभी जगह विरोधी दल के उम्मीदवार थे, जिसको जहाँ से मौका मिला, कि कोई पप्पू जी के पार्टी से लड़ा, कोई उपेंद्र जी के पार्टी से लड़ा, इस बार तो 6-6 मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे थे, तो इतने सारे दल थे कि किसी कैंडिडेट को किसी पार्टी की कमी नहीं थी। वो यशवंत सिन्हा जी भी लगे हुए थे, हालांकि वो कहाँ चले गए पता भी हम लोग को नहीं चल पाया, लेकिन वो अभी पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे। कोई भी कहीं से भी लड़ सकता है, लेकिन जनता समझदार है और वो सही निर्णय करती है। सवाल है सर, मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, वही होंगे मुख्यमंत्री? चेहरे का आप कहाँ बस है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय जायसवाल को यहाँ पर आपने सुनना, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने वाले हैं, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, चेहरा भी वही थे और अब जो मोहर है वो भी उसी पर यहाँ पर लगेगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज पटना।